अच्छा, यहाँ छुप कर बैठा है। ऐसे कौन छिपता है भाई, मतलब वीडियो शूट करनी है, ऐसे कोई नाराज होता है क्या? चलो चलो वीडियो शूट करनी है। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आप सब लोग कैसे हैं, आई होप अच्छे होंगे। तो दोस्तों फाइनली मतलब आज कुछ वीडियो में इस कुछ खास नहीं है, तो ऐसे ही खेत की तरफ घूमने निकले थे, तो मैंने सोचा एक वीडियो भी बना लेता हूँ और थोड़ा आप लोग से बातचीत भी हो जाएगी। और वीडियो अगर अच्छी लगेगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को शेयर भी कर देना और कमेंट में ज़रूर बताना कि ये जो पीछे बैकग्राउंड है दोस्तों मतलब कैसा लग रहा है, ठीक है, कमेंट में बताइएगा ज़रूर। और यार धूप की रोशनी भी सुबह सुबह है ना, तो धूप की रोशनी से आँखें थोड़ा मतलब खुल नहीं रही है मेरी, तो उसको थोड़ा मतलब इग्नोर करिएगा। तो चलिए चलते हैं आगे वीडियो में और मिलते हैं, मतलब आप लोग से थोड़ा दिखाते हैं खेत कैसा है। मतलब इसके पहले एक वीडियो बनाई थी मैंने मतलब अपना जो खेत की सिंचाई का, तो वो खेत भी आपको दिखाऊंगा कि हाँ मतलब कि कितना फसल कैसी है। तो चलिए चलते हैं आगे वीडियो में, मिलते हैं आपसे। तो दोस्तों ये अपना खेत है जो मतलब मैंने एक वीडियो बनाई थी सिंचाई वाली, तो ये वही खेत है। और इस वीडियो का मतलब लिंक मैं ऊपर आई बटन में दे दूंगा, आएगी आपको मतलब देखना होगा तो देख लीजिएगा, ऊपर आई बटन में आ रहा है, ठीक। और इसमें सरसों की फसल थी, तो देखिए फसल मतलब इतनी बड़ी हो चुकी है, लगभग तैयार है। और ये बगल वाले खेत में ये फसल चने की है, चने की फसल, और ये देखिए इस पर मतलब फूल लगना तैयार हो गए हैं। और इसी में से ये जो दिख रहा है ना, ये यही आपका चना निकलेगा उठकर, तो ये चने की फसल है। और यहाँ बगल में देखिए खेत में ये लहसुन है, हम लोग का मतलब बैठाया जाता है खेत में, अभी ये भी तैयार हो रहा है धीरे धीरे। आगे चलते हैं, तो ये देखिए दोस्तों ये प्याज है, अभी जल्दी ही मतलब इसको बैठाया गया है। और ये धनिया, ये बड़ा हो चुका है, मतलब हालांकि अब इससे हम लोग जो धनिया बैठाते हैं इसका चटनी भी बना के हम लोग यूज़ करते हैं, लेकिन अब ये बड़ा हो चुका है, अब इस पर धनिया का फल लगेगा। और इधर भी प्याज, और ये लहसुन देखिए ये बड़ा हो चुका है, लहसुन का पेड़ पौधा जो है, और यहाँ पे अभी छोटा है। और इधर भी धनिया है सब। और एक बार आप लोग हरियाली का मजा ले लीजिए दोस्तों, देखिए कमेंट में ज़रूर बताइएगा मतलब कि कैसा लगा आपको। और ये गेहूं की फसल है, और इधर सब सरसों है। और यहाँ पे दोस्तों ये घास है, घास बैठाई गई है गाय भैंसों को खिलाने के लिए, इसको काट कर ले जाया जाता है और ये फिर मतलब दो चार दिन बाद फिर उग जाती है दोबारा से, इसको फिर दोबारा बैठाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। देखिए यहाँ पे ये कटा हुआ है ना, अब ये कुछ दिन बाद फिर दो से चार चार छः दिन बाद ये फिर बड़ी हो जाएगी। देखिए ये बड़ी होना शुरू हो गई है, यहाँ पर भी जल्दी ही कटा है और ये दो दिन पहले का कटा हुआ है, तो यहाँ पे ये बड़ी होना शुरू हो गई है। और यहाँ पे देखिए धनिया का बताया था ना, यहाँ पे धनिया के पौधे में देखिए फूल लगना स्टार्ट हो गया है। और दोस्तों वीडियो बनाने के चक्कर में अभी नुकसान हो जाता, यहाँ पे देखिए मैं ट्राईपॉड अपना यहीं पे भूल गया, तो इसको लेने आए हैं दोबारा खेत में। और दोस्तों आप लोग को बता दूं, ये जो देखिए ये भी गेहूं की ही फसल है, लेकिन अभी इसमें गन्ने की फसल लगी हुई थी, तो अभी जल्दी ही गन्ने की फसल को काट के फिर गेहूं बैठाया गया, तो इस वजह से ये थोड़ा पीछे है, मतलब लेट में उगेगा। और गेहूं की फसल ये है दोस्तों दूसरी, ये देखिए इसमें जो है गेहूँ का वो भी निकल आया है, मतलब गेहूँ फूट गया है,
यहाँ पर देखिए, और ये अपना सोलर पंप, सौर ऊर्जा से ये चलता है दोस्तों। और अभी पानी चल रहा है यहाँ देखिए, ये पानी ऐसे होते हुए यहाँ खेतों में जा रहा है। और ये केले का पौधा, अब इस पे फल तो नहीं लगा है। और ये फसल, ये भी गेहूं की है जो बताया मैंने भी आपको, कि मतलब इसमें गन्ने का पौधा लगा हुआ था तो वो भी जल्दी ही कटा है, और गेहूं की फसल जो है अभी बस जल्दी ही बैठाई गई है। तो चलिए आगे चलते हैं और दिखाते हैं आपको पानी खेतों में कहाँ जा रहा है। और ये इस जगह को देख के दोस्तों याद आ गया, आप लोग को बता दूँ, मतलब ये जो जगह दिख रही है ना आपको खाली, ये यहाँ से ये सब जब हम लोग छोटे थे, मतलब स्कूल से जब छुट्टी होती थी आते थे ना, तो ये सब मतलब पूरी जगह ये साफ रहती थी। अभी तो मतलब घास है, झाल झंकार है सब इधर, ये सब जो ये सब झाल झंकार दिख रहा है ना, ये सब दोस्तों जब हम लोग स्कूल से मतलब छुट्टी होकर आते थे ना, छुट्टी होती थी जब आते थे तो खाना खा के फिर हम लोग यहीं पे आके क्रिकेट खेलते थे या छुपन छुपाई खेलते थे, ठीक है। तो अभी दोस्तों मतलब सब लोग बड़े हो चुके हैं ग्रुप के, सब लोग अपना अपना मतलब किसी ना कोई रोज़गार में, कोई भी पढ़ाई कर रहा है, कोई जॉब पा गया। तो यहाँ पे पानी चल रहा है देखिए यहाँ खेतों में, और इनका नाम है आदित्य, ये सींच रहे हैं खेत। तो दोस्तों ये वीडियो तो यहीं तक, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। और मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, कीप सपोर्टिंग गाइस।